रहे हैं। सो ये क्लास आई एम शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद थोड़ा सा कॉपी वर्क करेंगे हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, माउंट लुआ के बारे में, मौना लुआ के बारे में पढ़ा था कि मौना लुआ क्या है, हवाई का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट वो है, लावा माउंटेन है, वोल्केनो। तो क्या हुआ था कि 1984 के अंदर जो है वो, जब ये फर्स्ट टाइम जो मतलब लास्ट टाइम जो इरप्ट किया था, इरप्ट किसे कहते हैं कि जब माउंटेन में से लावा क्या हो गया था, बाहर आ गया था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जब वो बाहर आया था तो इतना ज़्यादा जो है वो उसके शॉक्स इतने ज़्यादा आफ्टर शॉक्स स्ट्रॉन्ग थे कि जो उसकी साइड थी वो 3 ईयर्स से क्या लगता रहा था हवाई के अंदर कि क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, इतनी ज़्यादा उसकी साइड्स क्या थी जो उसकी शॉक्स थे वो इतने ज़्यादा थे। सी ये हम पढ़ चुके थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स विच इज़ द लार्जेस्ट कैपिटल सिटी इन टोक्यो। सही, लार्जेस्ट कैपिटल सिटी क्या है वर्ल्ड की पॉपुलेशन से। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली बात करेंगे लार्जेस्ट सिटी तो हो सकता है कोई और सी हो, लेकिन अगर कोई आपसे पॉपुलेशन से बात करेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, टोक्यो। सही है, क्यों? क्योंकि टोक्यो के अंदर कितने लोग रहते हैं, 38 मिलियन पीपल रहते हैं। सही है, और ये जापान की जो है वो एक मेट्रोपोलिटन सिटी है। मेट्रोपोलिटन पता है किसे कहते हैं, जहाँ पे जो है वो हर तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चलती हैं, इनकी जो है वो ट्रेन चलती हैं, इनकी बुलेटिन ट्रेन, इनकी बसेस वहाँ पर चलती हैं। और बेसिकली क्या है कि पूरी वर्ल्ड में से जापान में लोग क्या करते हैं, टोक्यो में आते हैं जॉब्स करने के लिए। सही है, तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी वर्ल्ड की, तो आप लोग क्या कहेंगे, टोक्यो। सही है ना, आप जो वो सिर्फ वन वर्ड आंसर्स हैं। सही, ये जो 11 पॉइंट्स हैं इनमें से मैं वन वर्ड आंसर्स आप लोगों को पेपर्स में दे सकती हूँ। लाइक अगर कोई आप लोगों से पूछे कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अटलांटिक ओशन की और मतलब जो बॉर्डर्स हैं ना उन पर टच कर रही होती है, अटलांटिक ओशन के या पैसिफिक ओशन के, तो कौन कौन सी कंट्रीज है वो आप लोग मैप पर देखें, आप लोगों को दिख रही है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ क्या है, पैसिफिक ओशन है। मैप गौर से देखो तो तुम्हें दिख रहा है किसकी कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि मैप को टच कर रही है। एक अर्जेंटीना टच कर रही है, सही है, एक जो है वो चेल चेक कर रही है, और एक जो है वो कोलंबिया टच कर रही है। सही है, अब आप लोग कहेंगे कि मिस कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि टच कर रही है, तो जो बाकी कंट्रीज है ना, उर्गेरी जो उर्गुए लिखी हुई है और पैराग्वे लिखी हुई है, है ना, ये रॉक कंट्रीज हैं, तो ये रॉक के ऊपर बनी हुई है, तो ये लैंड पे टच नहीं कर रही है। सही है, आप लोगों का मैप देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये भी टच कर रही है, बट ये टच नहीं कर रही, ये जो ब्राउन वाला एरिया है ना ये इसके अंदर है, ये रॉक कंट्रीज है। सही है, तो ये ओशन के ऊपर नहीं है। सही है, तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आती हैं, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि टच कर रही है, एक अर्जेंटीना है, एक चाइल है, और एक कौन सी है, कोलंबिया है। सही है, ओके, उसके बाद है कि विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन साउथ अमेरिका। कह रही कि साउथ पूरे साउथ अमेरिका के अंदर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, स्पेनिश। वो स्पेनिश क्यों, कौन मुझे बताएगा? मैप देखो, मैप देख के समझ में आएगा। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ब्राजील। एग्जैक्टली, लोग ब्राजील के अंदर क्या ज्यादातर जो जो लैंग्वेज करते हैं वो कौन सी करते हैं, स्पेनिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कंट्री सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, स्पेनिश है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टू लैंड लॉक कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका। कह रहे कि वो कौन सी टू कंट्रीज हैं जो कि जो वो लैंड की कंट्रीज हैं, जो कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, तो वो कौन कौन सी है साउथ अमेरिका के, पैराग्वे और बोलिविया। सही है, ये जो दो कंट्रीज है ये कौन सी है, देखिए ये ब्राजील लिखा हुआ है। सही है, और ब्राजील के अंदर दो जो कंट्रीज है कौन कौन सी, एक पैराग्वे और एक कौन सी है, बोलिविया। ये जो वो रॉक कंट्रीज हैं और ये बेसिकली क्या करती है, ये वो वाली कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है वो मतलब जो जैसे हम कहते हैं जो हमारी भी हार्ड कंट्रीज हैं, जैसे हमारा अफगानिस्तान हो गया या हमारी जिस तरह की लैंड वाली कंट्रीज है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इन कंट्रीज में ज्यादातर माउंटेन्स वगैरह फाउंड होता है। ठीक है, What is the name of the largest lake in South America? कह रहे कि साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी लेक है जो कि लार्जेस्ट है, तो कौन सी है वो लेक, टिक, कौन मुझे बताएगा क्या लिखा हुआ है? टिटिकाका, टिटिकाका। Exactly, कौन सी लेक है? लेक टिटिकाका। सही है, ये क्या है, साउथ अमेरिका टिटिकाका लार्जेस्ट लेक है। सही है, नाउ On which day the US Americans celebrate their Independence Day? जिस तरह से पाकिस्तान 4 जुलाई ना हमारा होता है ना कि हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस तरह से अमेरिका कब मनाता है, 4th of July को। सी ना कह रहे हैं कि what is the driest place in North America continent? कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, तो कौन सी है,
डेथ वैली पता है क्या है? डेथ वैली ना एक डेजर्ट है, इसको बेसिकली ब्लैक डेजर्ट भी कहते हैं. सही है, ये इस तरह का डेजर्ट है कि जहाँ पे आप जाएंगे ना तो इसका जो स्काई होता है ये इतना ज्यादा डार्क. आपने डेस्ट ले लिया? नहीं बेटा, इसका जो स्काई होता है वो इतना ज्यादा डार्क होता है और इसकी जो मिट्टी होती है ना सैंड, वो भी बिल्कुल डार्क होती है. तो इसकी वजह से आप चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, समझ नहीं आ रहा होता कि आप कहाँ चल रहे हैं. सही है, और इसको डेथ वैली इसलिए क्यों दिया, क्यों होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोग जो ज्यादातर खो जाते हैं, उनको अपना रास्ता नहीं मिलता. सही है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है नॉर्थ अमेरिका की. सही है, और जो लास्ट टाइम पढ़ने वाले क्या कि व्हाट इज द मोस्ट डेंसली क्राउडेड पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया, कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड है. सही है, सबसे ज्यादा तो वो कौन सी है, सिंगापुर है. सही है, तो ये जो वो वन वर्ड आंसर्स के क्वेश्चंस रह गए थे जो कि हमारे थोड़े से कंप्लीट करने थे, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर वन जो था ना द वर्ल्ड, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया. सही है, इसके सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स रह गए. हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं. हम लोगों ने क्वेश्चन वन कौन सा किया था कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, याद है सबको? यस. सही है, उसके अलावा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, याद है सबको? 195 हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिल के सर्च करते हैं. हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कंट्रीज है 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो जो 193 कंट्रीज कह रहे हैं बताओ वो क्यों है, कि जो 193 कंट्रीज है ना वो यूएसए के साथ जो मिलकर काम करते हैं, जो बाकी की 2 कंट्रीज है ना वो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन टोटल कंट्रीज कितनी है, 195 कंट्रीज है. सही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, और फिर हमें क्या करना था, नेम एनी 5 कंट्रीज. आप लोगों ने लिख ली थी 5 कंट्रीज के नेम? यस टीचर. ओके ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या गया, ये रहा. उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि एग्जैक्टली, फिर हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. सही, करंट पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड की, 7 बिलियन. सही है, 7.8 बिलियन. ओके, उसके बाद हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो कितने ओशंस है, देयर आर 5 क्या थे, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, आर्कटिक ओशन. तो ये 4 क्वेश्चन हमने करे थे और हमने एक जो है वो कॉन्टिनेंट्स का मैप बनाया था. सही है, इसके आगे सब हम ओके सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो है वो अपनी जो है वो डेट डालेंगे, और आज डेट के 20 हमारे तो बहुत सारा पेज के बाद काम कर मैप के बाद एक बात सुन ले, पहले मुझे बोल लेते सही है. आप लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बहुत सारा पेज बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पेज जाया तो नहीं करेगा. तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, आप क्या करेंगे, यहीं पे डेट डाले, नहीं यहाँ पे डेट डाल दीजिए और नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दें. कोई मसला को समझ में आ गया? सही है, डेट डालिए, काम स्टार्ट कीजिए, और अपना और अपना इंडेक्स एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. इसके बाद हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा. सही है, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजेंगे? नहीं बेटा, आप लोग यहीं पे कर लीजिए, अभी क्लास में टाइम है बहुत सारा. सही है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस भेज दूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन वैसे अभी टाइम मेरे लाइट नहीं है, मेरा नेट भी इशू कर रहा है, इसलिए आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे. कौन बोल रहे हैं ना? मैंने खींच लिया, सारा स्क्रीनशॉट ले लो. टीचर ये काम 5 क्वेश्चन के आगे करना है, जो हमें 5 क्वेश्चन अपने पास तो दिए थे.
पहले आप लोग मेरी बात सुनिए, वी हैव ऑलरेडी डन फोर क्वेश्चंस, हम लोग फोर क्वेश्चंस कर चुके हैं, सही है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है काम। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो हमने 5 किए 5 स्टार्ट करना है, कौन सा 5 क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन 5 का था हमारा लेवल द कॉन्टिनेंट। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ड्रॉ द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड लेबल देम, सही है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 कर सकते हैं। बेटा आप लोग इतने बड़े बच्चे हैं, आप लोग अपना स्क्रीन शॉट ले लें इसको जरा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। एग्जैक्टली शामिल को देखो, वो कितना अकलमंद है, सही है। स्क्रीन शॉट ले लिया करो ताकि बाद में अगर कोई मसला हो या कोई क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो एटलीस्ट हम लोग के पास काम हो, सही है। खुद से ले लिया करो, मैं तुम लोग को हर चीज व्हाट्सएप थोड़ी करूंगी, सही है। मैं भी दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। रूल्स सुन लो क्या करना है, सबसे पहले अपना जो है वो इंडेक्स खोलिए और अपना इंडेक्स में जाके जो है वो अपना डेट डालिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 जो भी स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सही है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती रहूँगी, आप लोग मेरे साथ साथ करिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया हुआ कॉपी में, वैसे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, सही है। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा बच्चा है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लेगा, सही है। एक पेज छोड़े और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना, सही है। इसकी पिक्चर ले लो तुम लोग खुद ही ताकि तुम लोग का बाद में काम आ जाए, सही। क्या है कि व्हाट इज वर्ल्ड, सही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड क्या थी, सही है ना। तो वर्ल्ड क्या होती है, वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल लिव, सही है, ऑब्वियसली सी बात है, सही। नंबर 2, विच नॉन पोलर डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आप लोग को याद है नॉन पोलर डेजर्ट और पोलर डेजर्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन मुझे बताएगा? टीचर आप कॉपी में बस ये क्वेश्चन करवाएंगी जी बेटा? टीचर जब ये कॉपी में करवाएंगे वाले क्वेश्चंस बेटा, हम यही करना। टीचर ये क्वेश्चन नंबर 6 किस जो 5 जो लिखा है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सही है क्लास, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ये क्वेश्चंस आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, सही है। सही है, मैं आप लोग एक दफा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर किसी को कोई मसला है तो वो सुन ले। सही, नंबर 1 है क्वेश्चन 6 है कि व्हाट इज वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है, सही है। वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लिव, सही है। वर्ल्ड कौन सी प्लेस है जहाँ पे कौन रहते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज नॉन पोलर डेजर्ट एंड इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सही है। तो क्या कह रहे हैं कि सहारा डेजर्ट है जो कि क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सही है। सहारा डेजर्ट क्या है, सहारा डेजर्ट वो डेजर्ट है जो कि क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, सही है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पोलर डेजर्ट और नॉन पोलर डेजर्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि जो पोलर डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो है वो पूरे साल किसी भी किस्म की रेन या स्नो फॉलिंग नहीं होती, सही है। तो दैट्स इज वाई सारा डेजर्ट जो है वो नॉन पोलर डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पे रेन्स और स्नो फॉलिंग्स होती हैं, सही है। मैंने आपको बताया था कि सारा डेजर्ट कितना बड़ा डेजर्ट है, ये जो वो 10 कंट्रीज के पास स्ट्रेच करता है और ये इतना ही बड़ा है, इट इज ऑलमोस्ट एज बिग एज दी यूएस है, सही है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था कि व्हाट इज अ बॉर्डर विच यू कंट्री शेयर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर या लॉन्गेस्ट, सही है। तो क्या कहते हैं, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर से इंटरनेशनल इज अ रियल और आर्टिफिशियल लाइन, सही है। बॉर्डर क्या होती है, एक लाइन होती है जो कि दो कंट्रीज को क्या कर रही होती है, इट सेपरेट्स टू कंट्रीज, सही है। और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, यूएसए और कैनेडा, सही है। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स एंड वॉट इज अ बोस्पोरस, सही कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिटी है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है वो बनी हुई है, सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी है, इस्तांबुल है टर्की के अंदर, सही है। ये जो है दो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लोकेटेड है, एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट, सही है। ये सिटी क्या करती है, सिटी जो है वो दो साइड्स पे बोस्पोरस के, बोस्पोरस हम किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था बोस्पोरस क्या होता है, एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट किसे कहते हैं, वाटर वे, एक वाटर का रास्ता होता है जैसे पानी निकलता है ओशंस में से, सही है। तो क्या कह रहे हैं, बीच में एक वाटर आ जाता है और क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, जैसे हमने बताया हमारे जो हमने बोला कि बॉर्डर क्या होते हैं, तो एक तरह से बॉर्डर का काम कर रहा है स्ट्रेट, सही है, एशिया और यूरोप के बीच में, सही है। तो इस्तांबुल वो वाइड कंट्री जो कि क्या कर रही है, दो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लोकेटेड होती है, सही है। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 आप लोग कर लीजिए, जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाइए। मेरा डाटा लोरा में क्लास लीव कर दूं,
है ना, हम लोग इसके बाद हिस्ट्री का भी काम करेंगे। अगर तुम्हें करनी तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें बाद में काम करने में मसला होगा। अगर आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इन क्वेश्चंस का? यस टीचर। तो ये तो आप लोग फिर बाद में कर सकती हैं, अगर मैं भी कुछ और करवा दूं तो। यस टीचर, बाद में कर लीजिएगा। आप लोग का होमवर्क बता देती हूँ कि आप लोग को होमवर्क क्या करना है, सही है? वो जो है वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग को कंप्यूटर पेपर लेना है इस तरह से, और आप लोग को क्या करना है, कंप्यूटर पेपर के ऊपर द वर्ल्ड की हेडिंग डालनी है, और आप लोग को वर्ल्ड के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हैं। कोई मसला, सही है? एक अच्छी सी वर्ल्ड ड्रॉ कर लीजिएगा, और वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन लिखनी हो, आप लोग चाहे तो आप लोग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आप लोग 10 पॉइंट्स लिख दें अपनी मर्जी से कोई से भी, सही है? तो अपनी मर्जी से कोई कंप्यूटर पेपर लीजिएगा, उसके पैसा से लिखिएगा, और उसको हम लोग उसके एंड में क्या करेंगे, कॉपी में क्वेश्चन आंसर के आगे पेस्ट करना है। कोई मसला, सही है? ये मैं आप लोग का यूनिवर्सिटी पर होमवर्क अपलोड कर दूँगी, सही है? अगर तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो हिस्ट्री का हमारा एक टॉपिक रह गया था कंफ्यूजी का, कॉन्फ्यूकिज्म, सही, रिलीजन। तो मैं चाह रही हूँ हम लोग वो कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सही है? तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो है वो खुद से कर लीजिएगा बाद में, अगर आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स लेनी है तो, सही है? ये मसला, ये मसला आयशा, पक्की बात है? नींद तो नहीं आ रही आयशा? नहीं आ रही, पक्की बात है? बेटा मैं जब भी आप लोगों की, मैंने ब्रेक थोड़ी सी ली है, सॉरी, सही है? मैं आप लोगों को 11 बजे फ्री कर दूँगी, 11:05, 11:10 तक, सही है? तो उसके बाद आप लोग ब्रेक अपनी मना लीजिएगा। एक्चुअली मुझे कहीं कुछ काम था आज, सही है? मैंने थोड़ी सी अर्ली कर लिया आप लोगों की क्लासेस वगैरह, ठीक है? आप लोगों मुझे किस किसने ब्रेकफास्ट नहीं करा मेरी ब्रेक लेने की वजह से? जी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं किया तुमने? कोई बात नहीं, बस सिर्फ 10 मिनट्स और, फिर तुम आराम से ब्रेकफास्ट कर दो, ठीक है? ओके अमन, ओके, सही है? तो काइंडली टेक आउट योर हिस्ट्री बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 77। Have you all taken out your history books and opened page number 77? सही है? In the last class what we talked about is that we talked about the religion Buddhism, सही है? तो अब जो हमारे last religion रह गया that is Confucianism, सही है? अब Confucius कौन होते हैं? Confucius जो है वो लोग होते हैं जो कि चाइना के अंदर जो religion follow करते हैं, उनको अब क्या कहते हैं? Confucius कहते हैं, और जो इनके leader उसका क्या नाम है? उसका नाम है Confucius। Confucius अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि who was Confucius, हम लोग क्या कहेंगे? Confucius was the first emperor of China। ये कौन थे? चाइना के first emperor थे, सही है? इनको जब कॉन्फ्यूकस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कॉन्फ्यूकस क्या है? रिलीजन ऑफ चाइना, सही है? आपके कहने के जब चाइना के अंदर क्या हुआ था कि जिस तरह से बुद्धा के अंदर क्या हो रहा था कि लोग जो वो नोबल फैमिली में से आ रहे थे, और जो ज़्यादातर रिच नहीं हुआ करते थे, सही है? लेकिन क्या हुआ था कि जो कॉन्फ्यूकस थे, जो चाइना की गवर्नमेंट के लोग थे, ये लोग चाहते थे, ये लोग ये चाहते थे कि किस तरह से जो है वो लोगों की जो है वो लाइफ हम अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, सही है? अभी तक हमने जुदिज्म के बारे में पढ़ा था कि जुदिज्म के लोगों को जो है वो गॉड्स के ऊपर बिलीव करते थे, वो लोग गॉड्स को वर्शिप करते थे, सही है? फिर हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, तो बुद्धिज्म के अंदर क्या पढ़ा था कि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों की सफरिंग्स होती हैं, लोग जो है वो टेम्पल्स में जाएंगे, लोग अपने मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट वगैरह करेंगे, तो वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं। याद है आप लोगों ये? हाँ
सही है, लेकिन जो चाइना का रिलीजन है ना कॉन्फ्यूशियस का, कहते हैं ये लोग ये कहते हैं कि अगर हमें लोगों की लाइफ अच्छे से गुजारनी तो हमें क्या करना होगा, हमें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क फॉर द पीपल। सही है, किस तरह से ये लोग ये चाहते हैं कि लोगों की क्या चाहिए, वी शुड गिव गुड जॉब्स टू पीपल, हमें लोगों की जॉब्स अच्छी करनी चाहिए, हमें लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हमें लोगों की जो है वो उनको अच्छी अच्छी हाई पोजिशन देनी चाहिए, हमें उन्हें अच्छी सैलरीज ऑफर करनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब जब भी जो है वो लोग खुद से अच्छे होंगे, सही है, जब लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी, जब लोग खुद ही डेवलप्ड होंगे, एडवांस होंगे, तो क्या होगा, एक कंट्री भी क्या होगी, एडवांस होगी। सही है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। जब चाइना ने अपनी तरक्की बताओ सबसे पहले कैसे करी है, वो किस तरह से एडवांस कंट्री बने, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, दे इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा। जब भी एक कंट्री के अंदर के लोग एजुकेटेड होंगे तो आपको पता है ना कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों में कितना डिफरेंस होता है। सही है ना, तो क्या होता है कि जब उनकी पूरी कंट्री ही एजुकेटेड होना शुरू हो गई तो क्या वो लोग अच्छे होना स्टार्ट हो गए। जब एक कंट्री के लोग अच्छे होंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली क्या होगी, अच्छी होगी। सही है, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग कभी कभी रोड पे जा रहे होते तो लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे थे, कहते कि यहाँ पे इतना सारा जो है वो कराची में तो सारा कचरा पड़ा रहता है रोड्स पे। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग बाहर जाते हैं, देखा है सबने। सही है ना, तो हम लोग हमेशा सबकी एक ही कंप्लेन होती, सबके कह रहे थे कि इतना सारा मतलब कोई सफाई नहीं होती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो सारा कचरा गवर्नमेंट ला के फेंक रही है? नहीं ना, वो कौन कर रहा है, वो सारे जो हमारे अपने लोग हैं वही कर रहे हैं ना ये सब कुछ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, अगर लोगों को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंट्री भी क्या होगी, तेजी से डेवलप्ड होगी। तो इस वजह से चाइना के जो रिलीजन थे, इसके अंदर कॉन्फ्यूशियस ने क्या करा, उन्होंने लोगों को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, और उन्होंने क्या कहा कि इस तरह से क्या होगा, कंट्री क्या होगी, तेजी से डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा कि इस टाइम पे क्या होती है, जब कॉन्फ्यूशियस रह रहे थे उस टाइम पे जब वो डायनेस्टी चल रही थी, उसका नाम था ज़ाओ डायनेस्टी। क्या नाम था? ज़ाओ डायनेस्टी, ZHOU। आप लोग की बुक में देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सही है, ज़ाओ डायनेस्टी हिस्ट्री के हम चैप्टर में जो लास्ट राइटिंग था वो रीड कर रहे हैं। सही है, तो क्या कह रहे हैं कि जब कॉन्फ्यूशियस का रिलीजन चल रहा था ना, उस टाइम पे जो है वो एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था ज़ाओ डायनेस्टी। सही है, क्या कह रहे हैं कि वो कहती है वो बहुत ज्यादा वीक थी, और उसके अंदर क्या हो रहा था कि जितने भी जो नोबल्स थे, नोबल्स हम किसे कहते हैं, रिच लोगों को, तो जितने भी नोबल्स थे ना, क्या होता है आपस में पूर्वक लड़ते रहते थे। और चाइना क्या हो रहा था कि बिल्कुल भी जो है वो उसकी कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, उसके पास एम्परर्स, उसके किंग्स अच्छे नहीं थे, और क्या होता है कि सिटी बिल्कुल भी जो है वो तरक्की नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। सही है, तो क्या कह रहे हैं कि जो नोबल्स थे, जो भी रिच थे, जो उनके किंग्स थे, जो उनके एम्परर्स थे, वो लोग क्या ढूंढना चाह रहे थे, दे वांटेड टू सीक ग्लोरी, मोर पावर एंड रिचेस फॉर देमसेल्व्स, देयर प्रॉपर टास्क। तो क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या चाहते थे, जितने भी किंग्स और एम्परर्स थे ना, वो लोग आपस में लड़ते रहते थे कि वो लोग खुद ही सिर्फ पावर चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि खुद पावरफुल हो जाए, वो लोग खुद रिच हो जाए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि चाइना की कंट्री क्या हो रही थी, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो कॉन्फ्यूशियस ने क्या करा था, जब कॉन्फ्यूशियस आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो चाइना को अच्छे से रूल करना चाहिए। कैसे? उन्होंने कहा था हमें पीस रखना चाहिए। सही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, हमें लोगों की जो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, लोगों की हैप्पीनेस को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। सही है, ऑफिशियल्स वर्किंग फॉर द एम्परर्स एंड नोबल्स शुड बी चोजन फॉर द इंटेलिजेंस एंड द सेंस ऑफ ऑनर। कॉन्फ्यूशियस ने क्या कहा था कि जो जो हम लोग अपने गवर्नमेंट में लोगों को रख रहे हैं ना, वो सिर्फ नोबल्स को नहीं रखेंगे, हम रिच है तो चलो गवर्नमेंट में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। सही है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो कि इंटेलिजेंट होंगे, जो कि अपनी कंट्री के ऑनर के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करना चाह रहे होंगे ना, हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को अब आगे करेंगे गवर्नमेंट में, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सही है, तो उन्होंने क्या कहा कि इससे क्या होगा, दे शुड विन सच पोस्ट फेयरली एंड वर्क टायरलेसली फॉर द गुड ऑफ द पीपल। सही है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान है, सही, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि शामिल को डायग्राम करने का बहुत बनाने का बहुत शौक है। सही है, अब स्कूल में एक आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा हो, सही है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ नहीं मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना हमाद को ले लेती हूँ आर्ट कॉम्पिटिशन में, तो इससे क्या फ़र्क होगा? अगर हमाद को ड्राइंग का शौक नहीं है तो हमाद आपको लगता है कि दिल से काम करेगा ड्राइंग कॉम्पिटिशन में? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमाद को तो शौक भी नहीं था, उसको तो मैं ज़बरदस्ती आकर रिकमेंड कर रही हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही मौका मैं शामी को दूँ, और शामी को ड्राइंग का शौक भी है, तो क्या होगा कि शामी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ना अपनी कॉम्पिटिशन में।
तो इसी तरह से चाइना के लोगों ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब लोग पढ़े लिखे होंगे जिनको कंट्री के लिए काम करना होगा, अगर हम उन्हीं को आके बुलाएंगे तो वो लोग अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फेयर होकर काम करेंगे, वो लोग दिन रात मेहनत से काम करेंगे, सही है ना। एज़ कम्पेयर टू द नोबल्स, जो कि रिच मैन है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पहले से इतने अमीर हैं, उनको लोगों के कोई उनके वरीज़ या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। तो क्या करा कॉन्ग फुजी ने, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को आगे रहना चाहिए जो कि जिस काम के लिए लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, सही है। नाउ Confucius' teachings had a great influence over future of China's government for more than 2000 years. सही है। और जो ये religion Confucius लेके आया था ना, ये China के अंदर 2000 years तक यही religion चल रहा है, बल्कि still China के अंदर अभी भी सबसे ज्यादा importance किस किस को दी जाती है, education system को दी जाती है, सही है। Now, like the Buddha, he did not teach about the gods, and his interest was in human life and how it could get better. सही है, कहने के बुद्धिस्ट रिलेशनशिप की तरह कॉन्फ्यूशियस ने भी क्या करा, इसने लोगों को रिलीजन के बारे में नहीं बोला कि आप लोग किस चीज़ को फॉलो करें, आप लोग इन गॉड्स को फॉलो करें, ये नहीं बताया, बल्कि इनका जो मेन रिलीजन था वो क्या था, कॉन्फ्यूशियस का जो फोकस था वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर था कि किस तरह से लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, सही है। लाइक द बुद्धा ही टॉट पीपल दैट पीपल शुड ट्रीट ईच अदर द वे इन विच दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड देमसेल्व्स, सही है। कॉन्फ्यूशियस ने सबसे जो अच्छी बात की थी पता है उन्होंने क्या कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को पता है हमेशा किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, सही है। अगर हम लोग चाहते हैं ना कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, तो कॉन्फ्यूशियस ने क्या कहा कि आप भी फिर लोगों को उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह से आप ये चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, सही है। Unusually for his time he stressed the importance of education, perhaps because of the troubled times in which he lived, Confucius liked order. सही है, क्या कह रहे हैं कि कॉन्फ्यूशियस ने क्या कहा था, उसने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी थी, सही है। आपके कह रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होता है कि चाइना के लोग जो थे वो ऑटोमेटिकली किसी बात है कि क्या होता है कि लोग एक ऑर्डर सिस्टम आना चाहिए ना, तो कॉन्फ्यूशियस ने क्या कहा था, कॉन्फ्यूशियस ने एक ऑर्डर बनाया था, उसने क्या कहा था, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी थी और एजुकेशन को ऑर्डर कर दिया था कि हर इंसान को एजुकेशन लेना क्या हो गई थी, कंपलसरी हो गई थी, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या कर दी थी, कंपलसरी कर दी थी। अब एक बात होती है एक ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सबको मैं बोलूँ कि आप लोग सब असाइनमेंट करिएगा, सही, जिसको नहीं करना वो नहीं करिएगा, तो आप लोग लग रहा है कि क्लास में कितने बच्चे करके लाएंगे, एक दो बच्चे होंगे जिनको करना होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि नहीं आप लोग असाइनमेंट करना ही करना और इसके मैं 10 मार्क्स रखूंगी तो सब करके लेके आएंगे, सही है। तो इस तरह से कॉन्फ्यूशियस ने क्या करा था, इसने एक ऑर्डर बना दिया था, एक ऑर्डर कर दिया था, लोगों को एक सिस्टम बना दिया था जो कि लोगों को फॉलो ही फॉलो करना था, सही है। नाउ ही बिलीव इन टाइम्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज एंड वर्शिपिंग एंसेस्टर्स, नो वन नोज हाउ मेनी ऑफ द बुक्स दैट हिज फॉलोअर्स क्लेम एंड वर एक्चुअली रिटन बाय हिम, सही है। अब ये कह रही है कि जो कॉन्फ्यूशियस ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी थी, चाइना के अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, सही है, एंसेस्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। एंसेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे हमारे गॉड फादर्स होते हैं, सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर के फादर होंगे, उनके फादर होंगे, जो हमारे अबाउ अजदाद होते हैं बेसिकली, इनको हम क्या कहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, सही है। तो जो चाइना के अंदर लोगों को क्या करी, इन्होंने फैमिलीज को इंपॉर्टेंस दी थी, इन्होंने फैमिली सिस्टम बनाया था। आप लोग देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपनी फैमिलीज में रहते हैं, सही है ना, हम लोग हमारी फैमिली में हमारी फॉर एग्जाम्पल लोग अपनी दादी के साथ भी रहते हैं, कुछ लोग अपनी नानी के साथ रहते हैं, कुछ लोग चचा उनकी पप्पा वगैरह सब साथ रहती हैं जॉइंट फैमिलीज में, या अगर कोई अपनी कजन्स के साथ नहीं भी रहता, लेकिन हम लोग अपनी फैमिलीज, अपनी मदर फादर, हमारे सारे सिबलिंग सब एक ही घर में रहते हैं ना, सही है। तो इस तरह से चाइना के अंदर भी क्या होता है कि लोग फैमिलीज में ही सपोर्ट करते हैं, वो फैमिलीज में ही रहना पसंद करते हैं, सही है। जबकि जैसे हमारी जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं, हमारे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हो गया, हमारा कनाडा हो गया, जो इस तरह की सिटीज़ है वहाँ पे क्या प्रेफर किया जाता है, वहाँ पे लोग अपने अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लोग चाहते हैं, वो लोग जैसे 18 ईयर्स के होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी फैमिलीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल को अपनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, सही है। तो चाइना के अंदर जो लोग फैमिलीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि किसने इंपॉर्टेंस दी थी चाइना में, कॉन्फ्यूशियस ने दी थी, सही है। तो एक छोटा सा रिकैप अगर मैं आप लोगों को इस कॉन्फ्यूशियन रिलीजन पे दूं, तो सबसे पहली बात की है कि जो कॉन्फ्यूशियन रिलीजन का जो फर्स्ट लीडर थे वो कौन थे, पर मुझे बताएगा कौन थे, कॉन्फ्यूशियस, सही है। कॉन्फ्यूशियस कौन थे, ये फर्स्ट लीडर थे, ये फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, सही है। इनको कॉन्फ्यूशियस क्यों कहा जाता है, कॉन्फ्यूशियस क्यों कहते हैं जी, व्हाई इज कॉन्फ्यूशियस नोन एज द कॉन्फ्यूशियस, क्यों कहा जाता है इनको, एग्जैक्टली क्योंकि यही कॉन्फ्यूशियस क्या है, कि चाइना का क्या था, एक रिलीजन था, सही है। अब कह रही कि जो कॉन्फ्यूशियस थे ये उस टाइम पे इतना ज्यादा परेशान क्यों थे, ये क्यों चाहते थे कि लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाए, क्यों, उस टाइम चाइना के हालात कैसे थे,
जी कौन बताएगा? सही है। उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम चाइना के अंदर सारे नोबल्स आ गए थे, सारे जो एम्परर्स थे, सारे किंग्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो आपस में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होती रहती थी। हर कोई ये चाहता था कि वो अमीर हो जाए, हर कोई चाहता था कि उसको पावर मिल जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि चाइना की सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो रही थी। सही है। तो कौन फोकस ना के क्या कहा, उसने क्या कहा कि हमें सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें ह्यूमंस को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ह्यूमंस हमारे डेवलप्ड होंगे, जब हमारे ह्यूमंस एजुकेटेड होंगे ना, तो हमारी कंट्री भी क्या होगी, एजुकेटेड होगी बेसिकली। सही है। तो यहाँ तक कोई मसला सबको समझ में आ गया, रिलीजन कौन फिर किसका? जी बेटा, उसके बाद तो लेकर हमारी मैथ की क्लास होती है। बेटा आपकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल बहुत कम आ रही है। उसके बाद हमारी मैथ की क्लास होती है। जी बेटा, आप लोग की जो क्लास की मेरी खत्म होगी ना, वो होगी ही 11:35 पर। सही है, क्योंकि हमारी क्लास शुरू ही 11:15 पे होनी थी। तो अब आप लोग जब तक फ्री होंगे, सही है, वैसे वैसे भी आप लोग एक होमवर्क देख लीजिए। आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, आप लोगों को दो क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करने क्या है, क्या आप एक क्वेश्चन करना है आपको। आपको क्या करना है, आपके बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट रिलीजन थे उसके फोर नोबल ट्रुथ थे, आपको वो लिखना है कि व्हाट आर द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ द रिलीजन बुद्धिज्म। सही है। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी और इसका आंसर कहाँ पर होगा, पेज नंबर 75 पर। सही है। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज क्लास। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो गया, आप लोग जाकर नाम से नाश्ता वाश्ता कीजिए, मजे कीजिए। ओके, सर किसकी क्लासेस क्या? अभी आप लोग की ब्रेक है और 11:35 पे शायद मैथ्स की क्लास होगी। ये वाला